सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके पास जो पहला और दूसरा है वो हो गया गद्यांश और काव्यांश आधारित प्रश्नोत्तर एमसीक्यू टाइप के। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये हो गया आपके पास ग्रामर वाले सवाल। अब आता है हमारे पास सेवंथ वाला क्वेश्चन, जो रहेगा आपके पास पाठ्य पुस्तक से, यानी कि गद्यांश रहेगा लेकिन पठित रहेगा। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। अगर आप CBSE 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले साल, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूँ आपका आशीष सर। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर गद्यांश को, इससे पठित गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से प्रश्न हमारे पास होने वाले हैं। तो चलिए, खेती बाड़ी करते ये पाठ आपके पास बाल गोविंद भगत से रिलेटेड है। खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, परिवार वाले थे, लेकिन बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी कि साधु थे लेकिन साधु नहीं थे, परिवार वाले थे लेकिन साधु थे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझे कि कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे और कबीर के ही आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी कि अगर कोई भी बात करनी हो अपने मन की तो संकोच नहीं करते, किसी से खामखा झगड़ा नहीं करते और किसी की चीज़ को तो कभी छूते ही नहीं थे, और व्यवहार में लाना तो दूर की बात, किसी की चीज़ को बिना पूछे। यह नियम, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, हैरानी होती कि आखिर ऐसे इंसान भी हैं। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते तो वह अपने ही खेत में बैठते, बड़ी हैरानी वाली बात है। वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ भी खेत में पैदा होता सिर पर लादते, पहले साहब के दरबार में ले जाते। साहब कौन है? कबीरदास जी। जो उनके घर से चार कोस दूर था, ये कबीरपंथी मठ से मतलब है साहब का, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया करते। जो भी अपने खेत में उगता सब कबीर के चरणों में रखते और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसी को घर लाते और उसी से अपना परिवार और गुजर चलाते। तो ये है आपके पास गद्यांश जो कि बाल गोविंद भगत को लेकर के हैं। बाल गोविंद भगत किस तरह का नेचर था और वो साधु थे जबकि उनके पास घर परिवार सब कुछ था। तो चलिए हम इसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो इस तरह से हैं कि बाल गोविंद, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा जबकि घर परिवार था, है ना? तो देखो, वे साधु के समान दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते या वे किसी से झगड़ा नहीं करते। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा आपने इसे ध्यान से समझना है। तो चलिए, इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम विचार रखते थे। जैसे साधु के समान दिखते नहीं थे लेकिन वो विचार रखते थे साधुओं की तरह। दूसरा सवाल है, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय बन जाता था? जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, गीत गाते रहना, किसी से झगड़ा न करना या अपना काम स्वयं करना। तो कौन सा आश्चर्य का विषय था लोगों के लिए? तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। आप सोच रहे होंगे ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन इसमें आश्चर्य वाली बात पहले वाले ही ऑप्शन में आपको नजर आएगा। तीसरा सवाल है कि बाल गोविंद भगत के आदर्श किस कबीर के आदर्शों पर चलते क्योंकि, तो देखो इजी आंसर क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे नहीं। कबीर भगवान के रूप थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे या कबीर उनके मित्र थे? करेक्ट आंसर आपने इसका देखना है।
तो चलिए, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। वो न ही भगवान मानते थे, न ही गांव का कोई प्रधान था और न ही उनके कोई मित्र थे, बल्कि वो कबीर जो कहते थे, कबीरदास, वो उनके विचारधारा से प्रभावित थे, इसीलिए वो उनके आदर्शों पर चलते थे। चौथा सवाल, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते? गरीबों को, मंदिर में, घर में, या कबीरपंथी मठ में? तो इसके लिए तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो को भी आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है। तो इसका ऑप्शन है कबीरपंथी मठ में, ठीक है। तो अगला सवाल है आपके पास, पांचवा, वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यहाँ साहब से या क्या आशय है साहब से? तो साहब का मतलब गुरु, मुखिया, कबीर या भगवान। तो करेक्ट आंसर है इसका साहब, यानी कि वो कबीर को साहब मानते थे, तो वो कबीर की तरह थे। तो इसका आंसर आपके लिए है कबीर। तो ये है आपके पास पठित गद्यांश आधारित प्रश्न। कैसे लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर कोई और डिमांड हो तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।